तो चंद लाइनों में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो सन्मत का रास्ता है, जो अंदरूनी दुनिया में जाने का रास्ता है, जो अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है, उस रास्ते की हम सबको जानकारी दी है। बड़े प्यार से वो हमें समझा रहे हैं कि हमें बाहर की दुनिया में प्रभु को टटोलना नहीं है, और बाहर की दुनिया का कुछ भी करके हम पिता परमेश्वर को पा नहीं सकेंगे। अगर प्रभु को पाना है तो हमें अंदर की दुनिया में ध्यान देना होगा। अगर प्रभु को पाना है तो हमारे कदम अंदर की दुनिया में बढ़ने चाहिए। हम सब प्रभु को पा सकते हैं, हम सब पिता परमेश्वर से एकमेक हो सकते हैं। हमने कदम वो उठाने हैं जो कि अंदर की दुनिया में बढ़ें। और बहुत से और महापुरुषों के वचन भी हमें बार 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 यही समझाते हैं कि हमने उस अवस्था में जाना है जो ये टाइम और स्पेस, ये दुनिया से परे हो। इस दुनिया के आगे और दुनिया भी है, और उस दुनिया में हम जा सकते हैं। वहाँ जाकर ही हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से होगा। कबीर साहब ने भी एक जगह फरमाया, वो कहते हैं ना वह आवागमन था, नहीं धरती आकाश। तो बता रहे हैं कि अंदर दुनिया में क्या है, आना जाना नहीं है। जैसे इस दुनिया में तो आत्मा आती है, चंद साल रहती, फिर चली जाती, फिर आत्मा आती है, फिर रहती चली जाती, आना जाना लगा हुआ है। कि वहाँ उस दुनिया में आना जाना नहीं है, उस दुनिया में पहुँच गए तो प्रभु से मिलाप हो गया, मुक्ति मिल गई, 84 लाख जी अर्जुन से छुटकारा मिल गया। कि ना वहाँ आवागमन था, नहीं धरती आकाश। तो इस दुनिया में क्या है, धरती या आकाश है और टाइम और स्पेस है। वहाँ सब चीज़ एक ही है, मिलन है, मिलाप है, कोई दूरी नहीं, कोई द्वैत नहीं, वहाँ एकता ही एकता है। इस दुनिया में द्वैत है, ये भी चीज़ अलग लग रही है, वो भी अलग लग रही है, वो भी अलग लग रही है, वो भी अलग लग रही है। उस दुनिया में क्या, सब कुछ एक है, सब मिलन और मिलाप है। और आगे फरमा रहे, कबीर जन कहवा हते तब था कोई ना पास। कहते हैं जो अंदर की दुनिया है, वहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो जो इस दुनिया में जैसे हमें लगता है कि ये हमारे नज़दीक है, ये हमसे दूर है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा नज़दीक हो गया, ये इनको हम जानते नहीं, ये दूर पार वाले हैं, कहते हैं वहाँ पर कोई ऐसा नज़दीक या कोई दूर वाला नहीं, वहाँ सब अपने ही हैं। और वहाँ पर हम अपने आप को प्रभु के अंग संग पाते हैं, और कोई वहाँ पर है नहीं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं जिसे मोक्ष की अवस्था कहा जाता है, जो अंदर की दुनिया में जाकर हमें मिलती है, उसमें आत्मा परमात्मा से एकमेक हो जाती है, और फिर उसमें कोई और अलग चीज़ है नहीं। और एक जगह और कबीर साहब फरमा रहे हैं कि कैसे उस अवस्था तक हम पहुँचें, और वो भी हमें यही समझा रहे हैं कि जब तक हम शरीर शांत नहीं करेंगे, मन शांत नहीं करेंगे, तब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं। वो तो फरमा रहे हैं कि तन थिर, मन थिर, वचन थिर, कि शरीर शांत होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ शोरगुल नहीं रहा, जहाँ शांति है, ताकि जो पांचों इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श की, अंदर की ओर आएँ। तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, वहाँ पे आप बैठ जाओ। एटमॉस्फेयर को बदलने की ज़रूरत नहीं, ताकि नाक के ज़रिए, सुगंध के ज़रिए हमारा ध्यान बाहर ना जाए। देखो जब आप बैठे हुए तो किसी के साथ लगे ना हुए हो, नहीं तो अगर वो हिलेंगे आप भी हिल जाएंगे,
ताकि जो स्पर्श की इंद्रिय है, सूंघने की इंद्रिय है, आप खाओ पियोगे नहीं जब ध्यान टिकाओगे, चखने की इंद्रिय है और वहाँ शोरगुल नहीं होगा, सुनने की इंद्रिय, आँखें बंद करोगे तो देखने की इंद्रिय, तो ये पांचों इंद्रियाँ आसानी से अंदर की ओर जा सकती हैं, शांत हो सकती हैं। तो फरमा रहे हैं कि तन स्थिर, सबसे पहले तो शरीर को स्थिर करना है, ये शांत अवस्था है। उसके बाद क्या है, मन स्थिर। उसके बाद करना क्या है कि मन को शांत करना है। मन जैसे हम आँखें बंद करेंगे कोई ना कोई हमें विचार देगा, तो मन को शांत करने के लिए सिमरन किया जाता है। इसीलिए सिमरन जबान से नहीं किया जाता है, जबान से करोगे या कंठ से करोगे तो आवाज़ आएगी, मन से किया जाता है ताकि आवाज़ ना हो, हमारा ध्यान बाहर की ओर ना जाए। कि तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, शांत अवस्था में होना है, ताकि हर एस्पेक्ट हमारे बैठने का ऐसा है जिसमें कि सब चीज़ और शांत हो रही है, और शांत हो रही है, और शांत हो रही है, ताकि कोई भी एटमॉस्फेयर में चीज़ ऐसी ना हो जो हमारा ध्यान बाहर की ओर के ले जाए। तो फरमा रहे तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सुरत निरत स्थिर होए। जब आँखें बंद करके बैठते हैं तो हम प्रभु की ज्योति के दर्शन कर सकते हैं और प्रभु की ध्वनि को सुन सकते हैं। वो कहते हैं वो जो सुनने की शक्ति है और देखने की शक्ति है, उसको भी शांत होना पड़ेगा कि वो भी एकाग्र हो, वो भी एकदम से फोकस्ड हो। देखने की शक्ति होगी तभी अंदर में हम प्रभु के ज्योति को देख पाएंगे, तो जो ये बाहर के देखने की शक्ति है ये ख़त्म, सुनने की शक्ति बाहर की जब ख़त्म हो तभी अंदर में आवाज़ प्रभु की ध्वनि को सुन पाएंगे, तो ये ख़त्म, ये दोनों भी शांत होने चाहिए। तो जो जो बाहर की चीज़ें देखने की शक्ति है, जो सुनने की शक्ति है, सब शांत होनी चाहिए। और फरमा रहे हैं कि तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सुरत निरत स्थिर होए। क्या है कबीर, इस पलक को कल्प ना पाए कोई। कह रहे वो जो क्षण होता है ना, उसको 100 युगों का कहते हैं, एक कल्प होता है, एक कल्प जो है वो 100 युगों का है। तो कह रहे जो 100 युगों का समय वो भी उसके मुकाबले में नहीं है, जो ये क्षण मिल गया तुमको जिसमें कि तुमने अपने शरीर, अपने मन, अपने विचार, अपने देखने की शक्ति, सुनने, इनको सबको शांत कर लिया। क्योंकि वो जो तुम उस क्षण में पाओगे वो तुम कई युगों में नहीं पा सकते जब तुम्हारा ध्यान इधर उधर बिखरा होगा। तो समझा रहे हैं कि कितनी शक्ति अपने आप को शांत करने में है, अभ्यास करने में है, और इसी के ज़रिए हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनको पा सकते हैं। तो बार 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 जब हम महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं तो हमें कैसे अभ्यास करना चाहिए वो हमें समझाते चले जाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जी ने और कुछ भी बहुत कुछ फरमाया है रूहानियत के बारे में, और थोड़े से और एग्जांपल्स दिए उन्होंने जिसके ज़रिए हम ये जान पाते हैं कि अभ्यास किस तरीके से करना चाहिए, हमारे अंदर हो क्या रहा है। बाहर की दुनिया का तो हमें बहुत मालूम है कि अंदर की दुनिया में क्या होता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एक जगह फरमाते हैं, कह रहे हैं कि बैठे बैठे खुद मुझे होता है अक्सर ये गुमा। कह रहे हैं जब मैं बैठा हूँ, अपने आप बैठा हुआ, शांत अवस्था में बैठा हुआ, अभ्यास करने के लिए बैठा हुआ, तो तब मुझे ये एक्सपीरियंस होता है, ये अनुभव होता है कि बैठे बैठे खुद मुझे होता है अक्सर ये गुमा, नगमा गर मतरब कोई दिल के तरब खाने में। कह रहे हैं कि कोई नगमा चलाने वाला, जो ये शब्द चलाने वाला जो है वो मेरे दिल के अंदर ही बैठा है, मेरे अंदर ही बैठा है, ये नहीं कि बाहर से आ रहा है, ये नहीं कि पिता परमेश्वर बाहर हैं कहीं आसमान में या दूर हैं कहीं और उन्होंने कुछ भेज दिया। वो कह रहे हैं जब हम ध्यान टिकाते हैं तो हमें अनुभव हो जाता है कि पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं और उनसे ही शब्द चल रहा है, क्योंकि जो शब्द है जिसके साथ मैं जुड़ता हूँ, जो ज्योति और श्रुति है, जो लाइट एंड साउंड है, वो उसको जब मैं उसके साथ जुड़ता हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि वो शब्द चलाने वाला भी मेरे भीतर बैठा हुआ है। और बार 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 महापुरुष यही समझाते हैं कि पिता परमेश्वर कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर हैं, हमें सिर्फ ध्यान
बाहर से हटाकर उनकी और करना है। और अभ्यास करने का तरीका ये है कि हम अपना ध्यान इस दुनिया में होते हुए इस दुनिया से हटाएं और अपने अंदर जो प्रभु की देने हैं उनके साथ जुड़ते चले जाएं। एक जगह और संदर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया कि जब हमें अंदर में जब हम सबके साथ जुड़ते हैं, जब ये अनुभव होता है कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग है, तो किस किस्म का अनुभव हम पाते हैं, कितनी खुशियाँ हम पाते हैं। फरमा रहे कि मेरी निगाह तश्न लब की सर खुशी ना पूछिए। कह रहे हैं कि जो जो खुशियाँ मेरे अंदर, जो मैंने अंदर वो नूरानी चेहरा देखा अपने सतगुरु का, जब मैंने अपने अंदर जब मेरा मिलाप शब के साथ हो गया कि मेरी निगाह तश्ना लब की सर खुशी ना पूछिए कि जब उठी निगाह नाज पी गई पिला गई। कह रहे हैं कि जब वो दया दृष्टि उठी मुझ पर पड़ी, मेरे सतगुरु की दया मेहर हुई, तो मैं प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा गया, मैं प्रभु के साथ एकमेक हो गया कि तभी मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो गया। और एक जगह और फरमा रहा है कि जब कभी साखी या मदहोश की याद आती है, नशा बनकर मेरी रग रग में समा जाती है। अगर किसी और समय पर भी जब भी हम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, जब अपने सद्गुरु को याद करते हैं, तो हमारे रोम रोम में खुशियां भर जाती हैं, प्रेम भर जाता है, क्योंकि हमें ये अनुभव हो जाता है कि उनके ज़रिए ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए हैं और हम सब उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम में से कईयों पर हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, कई औरों पर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की नजरें कर्म पड़ी। उन्होंने हमें इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचाने का रास्ता दिखाया। ये हम पर निर्भर है कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। रास्ता इन महापुरुषों ने दिखाया, ऊपर चलना उस पर हमें है। और बार 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 वो हमें समझाते हैं कि किस किस्म की ज़िंदगी हमें बनानी चाहिए। जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो जो ज़िंदगी का ध्येय है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो ज़रूर पूरा होगा। तो महापुरुष हमें बार 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 यही समझाते हैं कि हम प्रभु को जाने, उनसे एकमेक होने के लिए कदम बढ़ाएं, ध्यान उनकी और करें, और हम फिर ये ज़िंदगी सही तरीके से जी रहे होंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, कि जिस पर भी इन महापुरुषों की दया दृष्टि हो जाए, दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, कि जब उनकी प्रेम भरी निगाह हम पर पड़ती है, तो फिर हमारा ध्यान इस दुनिया से हट जाता है, हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि हम महापुरुषों के दर्शन करें, और जब हम उनके नज़दीक होते हैं, हमें ये भी समझाया जाता है कि हम उनकी आँखों की ओर देखें, क्योंकि 2/3 स्पिरिचुअलिटी, 2/3 हिस्सा रूहानियत का संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, हमारे महापुरुष की आँखों से आता है, ताकि जो रूहानी किरणें हैं हमारी और आएँ, हम रिसेप्टिव हों, उनको जज्ब करें और देखें कि हमारी ज़िंदगी में एक मोड़ आएगा।
वो मोड़ जो हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएगा। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाया करते थे, व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। तो हम सब प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उन्हें पाने का रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता है। और अभ्यास कैसे करना चाहिए वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने लफ्ज़ों में हमें समझाया है। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। कहाँ ढूंढे रे बंदे।